हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ कारसाज के मुकाम पे। अगर आप नर्सरी से शारा फैसल से कारसाज से होते हुए डिग रोड जाने की जो कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे पानी नज़र आएगा। पीछे अकब में देख सकते हैं कि ये घुटनों घुटनों पानी और दर्जनों शहरियों की मोटरसाइकिलें यहाँ ख़राब हो चुकी हैं, परेशान हाल है, कोई जो है इनका पुरसान हाल नहीं है। जबकि इसके साथ ही गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं और जो शहरी हैं परेशान हैं, फैमिलीज़ के साथ जो खासकर शहरी हैं वो भी बहुत परेशान हैं। यही सूरत हाल अगर बात की जाए तो शारा फैसल पे अगर आप डिग रोड से सदर की तरफ आएंगे तो शाह फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड का जो ऑफिस है वो मुकम्मल पानी भर चुका है और उसके सामने भी जो है रोड पे पानी है और रॉन्ग साइड ट्रैफिक जारी है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम के मसाइल पेश आ रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए नीपा चुरंगी पे तो वहाँ पर भी पानी जमा है। यही सूरत हाल है शारा फैसल नर्सरी के मुहाम पे, जबकि गोरा कब्रस्तान पर भी बदतरीन ट्रैफिक जाम है। जो शहरी मलीर की जानेब सफर करना चाह रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट तक जो है अगर नाता खान क्रॉस करेंगे तो वहां पे भी ट्रैफिक जाम है। यही से शहर की सूरत हाल है। इसके बाद जो दूसरा स्पेल बारिश का आना है वो इससे ज्यादा खतरनाक है, तेज बारिश होगी। तहम ये आधे घंटे की जो एक घंटे की बारिश हुई है इसने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है।